देखते हैं कैलकुलेशन ऑफ जीनोटाइप एंड फिनोटाइप रेस। मेंडल के द्वारा जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस डाईहाइब्रिड क्रॉस दिया गया है उसका जो जीनोटाइप और फिनोटाइप रेशियो का कैलकुलेशन हमेशा F2 से किया जाता है, F1 से नहीं करते हैं। ठीक, जीनोटाइप रेशियो का कैलकुलेशन 3^n से किया जाता है जबकि फिनोटाइप रेशियो का कैलकुलेशन 2^n से करते हैं, जहां पर n की वैल्यू 1, 2, 3, 4 हो सकता है। ठीक है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस के लिए n की वैल्यू 1, डाईहाइब्रिड क्रॉस के लिए n की वैल्यू 2, ट्राईहाइब्रिड क्रॉस के लिए n की वैल्यू 3 होता है। ठीक, और ये जो जीनोटाइप और फिनोटाइप रेशियो का कैलकुलेशन दो मेथड के द्वारा किया जाता है। एक जो है यहां पर जो बनाया गया है वो फोर्क मेथड है। ठीक, और दूसरा जो होता है वो कौन सा है, पुनेट स्क्वायर या चेकर बोर्ड होता है। ये कौन सा कहलाता है, ये कहलाता है फोर्क मेथड कहलाता है। ठीक है, तो दो मेथड के द्वारा जीनोटाइप और फिनोटाइप रेशियो का कैलकुलेशन F2 से किया जाता है, पहला फोर्क मेथड और दूसरा पुनेट स्क्वायर या चेकर बोर्ड मेथड के द्वारा। आइए चलते हैं जीनोटाइप फिनोटाइप रेशियो का कैलकुलेशन इससे मोनोहाइब्रिड क्रॉस के लिए। अब हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस के लिए मतलब द क्रॉस टेकन इन बिटवीन टू पेरेंट्स, ठीक है, हैविंग अपोजिट ट्रेट्स फॉर वन कैरेक्टर। रिपीट अगेन, द क्रॉस टेकन इन बिटवीन टू पेरेंट्स, ठीक है, हैविंग अपोजिट ट्रेट्स फॉर वन कैरेक्टर इज नोन एज मोनोहाइब्रिड क्रॉस। अब मोनोहाइब्रिड क्रॉस में एक कैरेक्टर लेते हैं, यहां पर वो कौन सा है, प्लांट हाइट लेते हैं, प्लांट हाइट लेते हैं, और प्लांट हाइट में दो लिया है, एक टॉल लिया है और दूसरा ड्वार्फ लिया है। टॉल के लिए हम लेते हैं P1 लेते हैं, P1 में क्या लिए, कैपिटल टी, यानी ये जीनोटाइप होमोजाइगस डोमिनेंट और इसी का फिनोटाइप टॉल है, और दूसरा लेते हैं P2, ठीक है, और P2 क्या है, स्मॉल टी है और ये होमोजाइगस रिसेसिव है, ये जीनोटाइप है और इसका फिनोटाइप क्या हुआ, ड्वार्फ। तो ये हमने दो लिया है, जीनोटाइप और फिनोटाइप लिया है। अब देखते बेटे P1 का गैमेट क्या बनेगा, कैपिटल टी, और P2 का गैमेट बनेगा स्मॉल टी बनेगा। अब इन दोनों के बीच क्या हुआ है, क्रॉसिंग हुआ है, ठीक है, और क्रॉसिंग से हमको F1 यानी फर्स्ट फिलियल या जनरेशन प्राप्त हुआ, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये हेटरोजाइगस डोमिनेंट है। जीनोटाइप क्या होगा इसका, हेटरोजाइगस डोमिनेंट, F1 क्या है, हेटरोजाइगस डोमिनेंट, और इसका फिनोटाइप क्या हो जाएगा, टॉल हो। अब हमने बोला है कि जीनोटाइप फिनोटाइप रेशियो का कैलकुलेशन F2 से करते हैं, F1 से नहीं करते, तो F2 निकालने के लिए इस F1 का सेल्फ पॉलिनेशन कराते हैं। सेल्फ पॉलिनेशन मतलब यही क्या है, मेल होगा और सेम फिनोटाइप का फीमेल होगा। तो पहले लेते हैं बेटे फोर्क मेथड, फोर्क मेथड में देखो मेल लिया है हेटरोजाइगस डोमिनेंट और सेम फीमेल लिया है हेटरोजाइगस डोमिनेंट, यानी दोनों के दोनों हेटरोजाइगस डोमिनेंट है, ठीक है, और दोनों के दोनों क्या है, टॉल।
अब इसका डेबिट बनेगा कैपिटल की स्मार्ट डी दो गेमिंग, यहां पर हमने एक बनाया बेटे क्योंकि इसके भी दो गेमिंग बनेंगे कैपिटल टी और कैपिटल टी, यानी दोनों एक जैसे होंगे। यहां पर भी स्मॉल टी होगा, दोनों एक जैसे होंगे, इसलिए दो न लेकर हमने एक लिए क्योंकि दोनों एक जैसे हैं। लेकिन यहां पर दो गेमिट बने हैं, दोनों अलग अलग हैं। एक गेमिट में कैपिटल टी यानी टालमेस के जीन है, दूसरे गेमिट में स्मॉल टी यानी डॉर्फनेस के जीन है। वैसे यहां पर लिए दो गेमिट, अब इनको जोड़ना है। कैसे जोड़ना है? इस वाले जो मेल गेमिट है, ये वाले जो मेल गेमिट है, इन दोनों फीमेल गेमिट से जोड़ना है। ठीक, फिर ये वाले मेल गेमिट को फिर से इन दोनों से जोड़ना है, तो हमको ये रिजल्ट प्राप्त होगा, कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी। और ये क्या हो जाएगा? इसका जीनोटाइप हो जाएगा होमोजाइगस। क्या है? डोमिनेंट है। ये क्या हो जाएगा? दोनों हेटरोजाइगस डोमिनेंट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? होमोजाइगस रिसेसिव हो जाएगा। ठीक, यानी ये तीनों क्या है? ताल है। ये क्या है? द्वार्फ है। ये ऐसा मिला है। ठीक, यही चीज हम दूसरे मेथड है जिसे हम पुनेट स्क्वायर या चेकर बोर्ड कहते हैं। ठीक, जिसकी खोज आर सी पुनेट ने की है, और चेकर बोर्ड या जिसे हम शतरंज पट कहते हैं, इसमें चकोर ब्लॉक्स बनाते हैं। अब कितने ब्लॉक्स बनेंगे? ये देखिए, मोनो हाइब्रिड क्रॉस के लिए चार ब्लॉक्स बनेंगे, डाई हाइब्रिड के लिए 16 ब्लॉक बनेंगे, ट्राई हाइब्रिड के लिए 64 बनेंगे। यानी ऐसा इसका तरीका है निकालने का तरीका। एम एच सी के लिए क्या हो जाएगा? एम एच सी के लिए हो जाएगा 4 × 1, डी एच सी के लिए हो जाएगा 4 × 4, और टी एच सी के लिए हो जाएगा 4 × 4 × 4, और टेट्राहेड्रल क्रॉस के लिए क्या हो जाएगा? 4 बार। ये इस प्रकार ये निकालते हैं। तो आप निकालते हैं ये पूरा डिजाइन, हमको जिस क्रॉस का निकालना है निकल जाए। ठीक है, अब आते बेटे चेकर बोर्ड। अब चेकर बोर्ड में देखो ये चार ब्लॉक्स बने हैं। ठीक है, 1 2 3 4। अब यहां पर ये वाले जो कॉर्नर है, इधर गेमिट लेते हैं F1। ये क्या है? F1। ये F1 को लिया है कैपिटल टी स्मॉल टी। अब इसके दो गेमिट इसमें बिटे इस साइड, ठीक है, हॉरिजॉन्टल साइड में मेल गेमिट को लेते हैं, और वर्टिकल साइड में डाउन हिल साइड में फीमेल गेमिट को लेते हैं। तो ये मेल गेमिट के लिए है। ठीक, और इधर क्या है? गेट्स है। तो जो मेल गेमिट है वही फीमेल गेमिट है। अब देखिए मेल, इसके दो मेल गेमिट क्या बनेगा? कैपिटल टी स्मॉल टी। इसके दो फीमेल गेमिट कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक, अब इनको जोड़ना है। कैसे जोड़ना है? ये कैपिटल टी ऐसे जोड़ना है, यहां से ऐसे कैपिटल टी कैपिटल टी, इसके लिए ये ब्लॉक के लिए यहां से ऐसे, समझ रहे? ये ऐसे और ये ऐसे, इसका इससे और इसका ये कॉर्न, समझ रहे जोड़ने का तरीका? अब इसका हमको ये चार ऑफ स्प्रिंग मिले। अब इस सेम रिजल्ट है जो फोर्थ मेथड से रिजल्ट मिला है F2, वही F2 ये जो रिजल्ट मिला है ये क्या है? F2 है। सेम F2 हमको पुनेट स्क्वायर या चेकर बोर्ड से
प्राप्त हो। अब इसी से F2 से हम जीनोटाइप और फिनोटाइप रेशियो का कैलकुलेशन करते हैं। फिनोटाइप रेशियो का कैलकुलेशन 2^n से करना है, क्योंकि ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस है इसलिए n की वैल्यू 1 हो जाएगा और जो ऑब्टेंड फिनोटाइप है वो क्या होगा, 2। ठीक है, 2 फिनोटाइप मिलेंगे लेकिन ऑफ स्प्रिंग 4 मिलेंगे। ध्यान रखें संतान जो है वो 4 है लेकिन फिनोटाइप हमको क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। कैसे बेटा देखिए, ये कैपिटल टी टाल होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी टाल होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी टाल होगा क्योंकि, और स्मॉल टी ड्वार्फ होगा क्योंकि बेटे ये जो कैपिटल टी है, ठीक है, चाहे साथ साथ है तो या अकेला है तो दोनों ही कंडीशन में डोमिनेंट कैरेक्टर अपने आप को एक्सप्रेस करता है। समझ रहे, डोमिनेंट जीन चाहे पेयर में रहे या अनपेयर रहे, चाहे होमोजाइगस हो या हेटरोजाइगस हो, दोनों ही कंडीशन में डोमिनेंट जीन अपने आप को एक्सप्रेस कर लेता है। ठीक है, डोमिनेंट ही रहेगा लेकिन जो रिसेसिव जीन है केवल होमोजाइगस कंडीशन में अपने आप को एक्सप्रेस करता है, हेटरोजाइगस कंडीशन में ये अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। इसका मतलब क्या है कि डोमिनेंट जीन के प्रेजेंट में, ये लीजिए ये वाला देखिए, डोमिनेंट जीन के प्रेजेंट में ये रिसेसिव जीन अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है। क्लियर है? ओके, अब इस चीज को ये पॉइंट नोट कर लेना कि डोमिनेंट जीन एक्सप्रेस इटसेल्फ इन होमो एंड हेटरो जाइगस बोथ कंडीशन। नोट इट डाउन, डोमिनेंट जीन एक्सप्रेस इटसेल्फ ऑलवेज इन होमोजाइगस एंड हेटरोजाइगस बोथ कंडीशन। सेकेंड पॉइंट, हेटरोजाइगस जीन एक्सप्रेस इटसेल्फ ओनली इन होमोजाइगस कंडीशन। रिसेसिव जीन ऑलवेज एक्सप्रेस इटसेल्फ इन होमोजाइगस कंडीशन, नेवर बी इन हेटरोजाइगस कंडीशन। अब आइए रेशियो देखते हैं। तो फिनोटाइप रेशियो हम 2^n से कैलकुलेट कर रहे हैं तो हमको 2 मिला, 2 ही तो मिला बेटे, ताल और ड्वार्फ। फिनोटाइप रेशियो, फिनोटाइप यानी एक्सटर्नल फीचर, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी यानी साइज शेप कलर वेट। ठीक, तो एक ताल मिला और ड्वार्फ मिला। ये बात अलग है कि नंबर ऑफ ताल 3 है और नंबर ऑफ ड्वार्फ 1 है, यानी हमको फिनोटाइप रेशियो और मोनोहाइब्रिड क्रॉस 3:1 प्राप्त हुआ है। क्लियर है? तो दो फिनोटाइप हुए, ताल एंड ड्वार्फ। तब आते हैं जीनोटाइप रेशियो का कैलकुलेशन, इसी F2 से करते हैं। तो जीनोटाइप रेशियो हमको क्या प्राप्त हुआ बेटे, कैलकुलेशन करते हैं 3^n से। ठीक, और फॉर DHC, हाँ MSC कर रहे हैं, फॉर MSC n की वैल्यू क्या रखना है, 1 रखना है। इस 3^n में n की वैल्यू क्या रखना है, 1। तो हमको कितनों फिनोटाइप प्राप्त हुआ, 3। कैसे 3, एक है कैपिटल टी, दूसरा है कैपिटल टी स्मॉल टी और तीसरा है स्मॉल टी। यानी होमोजाइगस डोमिनेंट, होमोजाइगस डोमिनेंट और होमोजाइगस रिसेसिव, इन्हीं तो मिला हमको। ये बात अलग है कि इसके होमोजाइगस डोमिनेंट के नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग 1 है, हेटरोजाइगस डोमिनेंट के नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग 2 है और होमोजाइगस रिसेसिव के नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग 1 है।
इसलिए मोनोहाइब्रिड क्रॉस के लिए जीनोटाइप रेशियो 1:2:1 होगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ?